हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं या फिर आप ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपका ट्रेडिंग में 6-7 महीना हो चुका है, तो आपके पास ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। और ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको ट्रेडिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। या फिर भाई मैं आपको डिटेल में एक एक चीज दिखाता हूँ और उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक अच्छा लैपटॉप चाहिए या फिर अच्छा कंप्यूटर चाहिए। अब अच्छा का मतलब ये है कि उसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे से वर्क करना चाहिए। या फिर अगर आप बिल्कुल नए हैं, सीख रहे हैं, तो 2 मोबाइल फोन आपके पास होने चाहिए। वो केवल शुरुआत करने के लिए है, बाकी 6-7 महीना या फिर 7-8 महीना अगर आपको हो जाता है तो फिर आप एक पुराना लैपटॉप परचेस कर सकते हैं या फिर एक कंप्यूटर परचेस कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी को आगे कंटिन्यू रखना है तो। तो कम से कम एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। अब मोबाइल पे भी आप चार्ट देख सकते हैं, बट वो उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि लैपटॉप में जो ट्रेडिंग चार्ट होता है वो ज़्यादा स्मूथ दिखता है और अच्छे से आपको दिखता है और ज़्यादा बड़ा दिखता है। और अच्छे से इसको आप कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे इसमें आप मल्टीपल चार्ट वगैरह देख सकते हैं। मोबाइल में ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है मोबाइल फ़ोन। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में आप इजीली कोई भी जो ब्रोकर है उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन है, इस पर मैं अगर धन ब्रोकर यूज़ करता हूँ तो सिंपल इस तरीके से मैं धन को यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे सारी ऑर्डर वगैरह अगर प्लेस करना है तो यहीं पे मैं मोबाइल से प्लेस कर सकता हूँ। वैसे मैं लैपटॉप में भी प्लेस कर सकता हूँ, बट मोबाइल से अगर आपको कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो वो आप मोबाइल से कर सकते हैं। आप कंटिन्यू जो है अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो चार्ट है वो कंटिन्यू आप जो है यहाँ पे देखना जारी रख सकते हैं। तो मोबाइल भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, और आई एम श्योर कि सबके पास एक मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन होता ही है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा नोटबुक। कम से कम हमारे पास एक नोटबुक होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ नोट करने के लिए, कोई मार्केट का नया बिहेवियर है या प्राइस एक्शन है या फिर कुछ आपको नई चीज़ें दिखती है तो वो चीज़ आप इसमें आप नोट कर पाओ इजीली, सो दैट जब भी आपको वो चीज़ें लगता है कि नहीं हाँ वो चीज़ें यहाँ पे है तो आप उस चीज़ को रिविज़न बाद में कर सकते हैं या फिर उसको आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या बिहेवियर था। अपना कोई भी रूल्स है, प्लान है, वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जो भी आपका रूल्स होंगे, डिसिप्लिन होंगे, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना है, कुछ चीज़ें हटाना है, वो सब आप नोटबुक में लिख सकते हैं। जर्नल वगैरह भी बनाना है, जैसे कि आज का आपका ट्रेड कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वैसे आप लैपटॉप में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा यहाँ पे नोटबुक। तो यहाँ पे नोटबुक और पेन भी मैं ज़रूर रखता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि अगर जो भी आपका लैपटॉप और कंप्यूटर है उसके साथ आप माउस जरूर से यूज़ करिएगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप में यहाँ पे चार्ट को देख रहे हैं तो उसमें नॉर्मल यहाँ पे जो ट्रैक पैड होता है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस तरीके से माउस, क्योंकि माउस से ज़्यादा अच्छे से आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और स्मूथली यहाँ पे काम करता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ट्रैकर के थ्रू भी आप इजीली कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा माउस को यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, लैपटॉप में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप माउस एक ज़रूर से खरीद लीजिएगा। वायरलेस होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए वायरलेस माउस इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें तो इनबिल्ड आपको माउस मिल ही जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और रखनी हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ लैपटॉप वगैरह को क्लीन करने के लिए, बाकी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इतना तो हर कोई यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है इसको चार्ज करने के लिए, ताकि बीच बीच में जो है आपका बैटरी वगैरह डाउन वगैरह ना हो। तो इस तरीके से हमेशा आपको प्लग इन करके रखना है ताकि आपका जो है कंटिन्यू आप जो है 6 घंटे यहाँ पे आप चार्ट वगैरह को देख पाओ, ताकि आपका जो लाइट वगैरह डिस्चार्ज भी हो जाए, लाइट चली जाए, तो भी आपका लैपटॉप यहाँ पे वर्क यहाँ पे हो पाए। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे पूरा सेटअप रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल और यहाँ पे नोटबुक और यहाँ पे बैठने के लिए एक सिंपल सा चेयर।
तो एक बिगनर के लिए इतना ट्रेडिंग के लिए काफी होता है। तो अगर आप एक बिगनर हैं, ऑलरेडी आपने ट्रेडिंग को शुरू कर चुका है, अगर आपको टाइम हो चुका है ज्यादा, आपको धीरे धीरे चार्ट वगैरह समझ आने लगे हैं, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेकेंड हैंड, अगर आपको परचेस करना है तो सेकेंड हैंड आप परचेस कर सकते हैं। और आप जब लैपटॉप वगैरह में आप चार्ट वगैरह देखेंगे बड़े डिस्प्ले में, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे और बेटर होता जाएगा, ठीक है। और मोबाइल पे आप अगर आप कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो दो मोबाइल आपके पास कम से कम मिनिमम होने ही चाहिए। एक मोबाइल पे चार्ट देखना, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो एक बिगनर के लिए मिनिमम इतना ट्रेडिंग के लिए सेटअप होना ही चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप जो है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इतना चीज़ इनफ होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।